नमस्कार भाई लोगों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये महिंद्रा BS6 पिकअप के जो है वो बताए जा रहे हैं हम आपको। ये है महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.3 MS जो अभी लेटेस्ट आ रही है, जो है इसके अंदर जो सामान डल रहा है स्पीड गाड़ी के अंदर चेंजिंग भी दे रखी है, काफ़ी इंजन लाइन में चेंजिंग दे चुकी है कंपनी। ये पिकअप है जिसके अंदर अभी क्लच प्लेट डाले जा रहे हैं, तो क्लच प्लेट भी डाल रहे हैं हम इसके अंदर। क्लच प्लेट डालेंगे वो बताएँगे आपको, पुरानी क्लच प्लेट कैसे निकल रही है, क्लच प्लेट के अंदर भी चेंजिंग कर चुके हैं इसके अंदर। ये BS6 पिकअप जो 2024 मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल में जो क्लच प्लेट है चेंजिंग की गई है। चेंजिंग क्लच प्लेट के अंदर बड़ी साइज कर दी गई, इसमें जो चेंजिंग है इस तरह की क्लच प्लेट आ रही है, पहले इसमें छोटी आती थी, यहाँ तक के आती थी, और अब इसमें साइज बड़ा कर दिया। जो तोआ है इसमें भी चेंजिंग कर दी, ये भी तोआ बड़ा कर दिया, यानी क्लच प्लेट इस तरह की आने लग गई, स्पार्ट नंबर के आने लग गई। जो क्लच प्लेट है उसमें चेंजिंग कर दी BS6 पिकअप 1.3 MS, जिसके अंदर अभी क्लच प्लेट चेंजिंग कर चुकी है कंपनी महिंद्रा कंपनी ने, यही क्लच प्लेट डाल चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका जो फ्राई व्हील है ये भी हाइट में बड़ा कर दिया, इसमें क्या पोलिश कट लगवाया था, इसमें रगड़ खा गया था दबा के। इसका जो फ्राई व्हील है इसमें भी चेंजिंग कर चुकी है कंपनी, जो भी ये देखिए इस तरह का फ्राई व्हील है। इसमें क्या क्लच प्लेट के लिए खोली थी, तो क्लच प्लेट डालेंगे इसके अंदर, आप दिखाएंगे आपको न्यू क्लच प्लेट। ये जो क्लच सेट है महिंद्रा का, जो क्लच प्लेट है नई वो दिखा रहे हैं हम आपको, क्लच प्लेट कैसे आते हैं नई वाली। ये नई क्लच प्लेट है जो अभी इसके अंदर डालेंगे। फिर ये प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट, ये कंप्लीट किट आता है इसके अंदर, अलग अलग नहीं आती है। क्लच प्लेट प्रेस प्लेट अलग नहीं आती, बिल्कुल किट आता है इसका, जो किट डाल रहे हैं इसके अंदर। आज जो ये वाला मुँह है गियर बॉक्स की साइड यानी कि इधर रखता है, इस तरह की रखनी आती है ये क्लच प्लेट, बिल्कुल ऐसे बैठती है। ये क्लच प्लेट की फिटिंग की जा रही है, अंदर बिठा रहे क्लच प्लेट को। ये इसकी टॉप जो सेंटर मिलाया जाता है, सेंटर मिलाने के कारण क्या है गियर बैठना में आसानी रहती है, इसलिए इसका सेंटर मिलाया जाता है। बिल्कुल ऊपर ये बोल्ट कर देंगे इसके, सेंटर मुड़ जी। कसी जा रही है, बार हाथ से टाइट करेंगे। ये बिठा चुके हैं क्लच प्लेट प्रेस प्लेट, अब फ्लाईव्हील अब गियर चढ़ाएंगे इसका, ये फिटिंग किया जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है क्लच प्लेट। ये गियर चढ़ाया जा रहा है, गियर फिटिंग किया जा रहा है, अब गियर चढ़ाएंगे इसका, जो गियर है वो चढ़ाएंगे इसके अंदर, गियर फिटिंग कर रहे हैं। ये गियर चढ़ाया जा रहा है इसके अंदर, फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करी, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने पहली बार ये बोलेरो पिकअप जो अभी लेटेस्ट आ रही है BS6 है, बोलेरो CBC MS 1.3 लीटर में जो है आ रही है उसका है, जो नए मॉडल में चेंजिंग कर दी क्लच प्लेट की भी। तो ये इसका जो गियर फिटिंग किया जा रहा है, तो दोस्तों ये गियर चढ़ा रहे, चढ़ने में थोड़ी क्या है कि इसमें ये फिटिंग की जा रही है, बोल्ट लगाए जा रहे हैं इसके। तो दोस्तों बहुत चुकी है कम्प्लीट, यानी कि गाड़ी कम्प्लीट होने वाली है इसकी, वो भी दिखाएंगे आपको। गियर चढ़ा दिया, इसकी वायरिंग है, वायरिंग भी लगा दी, ये इसकी वायरिंग लगा चुके, अब लगाएंगे इसका जो माउंटिंग के जो बोल्ट है वो भी, कसा जा रहा है।
फिटिंग की जा रही है, गियर कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखिए कोई 19-20 हो तो अभी हम आपको बताएंगे। इसका जो माउंटिंग है वो कसा जा रहा है।